2023 के एंड में हम आ चुके हैं और गाइस जिन्हें भी लैपटॉप खरीदना है तो एक खुशखबर बताना चाहूंगा, इंटेल के 14 जनरेशन प्रोसेसर बहुत जल्दी देखने मिलने वाले हैं। बट आपको अगर 14 जेन खरीदना है तो 7-8 महीने और है फुल फ्लेज डिवाइसेस लॉन्च होने के लिए। अभी के लिए 13 जनरेशन प्रोसेसर लेटेस्ट है जो आप खरीद सकते हो। मार्केट में गाइस 12 जनरेशन फुल फ्लेज अवेलेबल है, 11 जनरेशन भी बिक रहे हैं आज के डेट में, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना। आपको लेटेस्ट रैम टाइप देखने मिल रहा है, लेटेस्ट SSD देखने मिल रही है और ये कॉम्बिनेशन की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी निकल के आ रही है। सो आज के वीडियो में कुछ बेस्ट लैपटॉप बताता हूँ अराउंड 40,000 के अराउंड गाइस एक भी लैपटॉप नहीं है, ऑलमोस्ट 42,000 to 45,000 के बीच में सारे लैपटॉप है 13 जनरेशन। आपको अगर 12 जनरेशन खरीदना है तो अंडर 40 भी आपको देखने मिल जाते हैं। सो 13 जनरेशन का एक भी लैपटॉप अंडर 40,000 अवेलेबल नहीं है। लिस्ट का जो पहला लैपटॉप है इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैकलिट कीबोर्ड जैसी चीजें देखने मिलती है एट 44,000 प्राइस पॉइंट। इस प्राइस पॉइंट पे जितने सारे लैपटॉप आते हैं ये दोनों चीजें मिस आउट कर जाते हैं। सो जिन्हें भी गाइस फीचर रिच लैपटॉप खरीदना है और सबसे बेस्ट खरीदना है तो लिस्ट का पहला लैपटॉप आप खरीद सकते हो। इसका नाम है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। गाइस इस लैपटॉप में आपको जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i3 कोर प्रोसेसर है, i3 1305। अच्छा प्रोसेसर है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट है। इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने मिलता है। यहाँ पर जो रैम टाइप यूज़ की गई है वो DDR5 रैम है। 8GB की प्री इंस्टॉल रैम देखने मिलती है, सोल्डेड रैम है, अपग्रेड नहीं कर सकते फ्यूचर में। 512GB की SSD है, इसे अपग्रेड कर सकते हो। एट द सेम टाइम इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले देखने मिलता है ये भी काफ़ी अच्छा है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर पैनल है। 47 वाट आर की बैटरी पैक की गई है, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, बट आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप अगर ये निकाल के देता है तो भी अच्छी बात है। बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बैटरी प्रोवाइड की गई है। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। एट द सेम टाइम मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है लैपटॉप, सो रफ एंड टफ भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। इस लैपटॉप में मुझे कोई भी कमी नज़र नहीं आई, परफेक्ट लैपटॉप है। सिर्फ गाइस जो प्रोसेसर है वो इंटेल 1305 कोर प्रोसेसर है। आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो और लैपटॉप भी अवेलेबल है इसी प्राइस पॉइंट में जहाँ पर आपको थोड़े अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं। अब लिस्ट का जो अगला लैपटॉप है इसका नाम है ASUS YoBook 15। यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i3 1315U है। अगेन 6 कोर 8 थ्रेड का ये प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू 1305 जो 5 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है इस प्रोसेसर की 1315U की। इंटेल के UHD ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं, 8GB की DDR4 रैम है, एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, 24GB तक एक्सपांड इसे कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 512GB की SSD दी गई है, 15.6 इंचेस का SVA एंटी ग्लेयर पैनल है, सो डिस्प्ले भी यहाँ पर डिसेंट दिया गया। इस लैपटॉप में भी आपको MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप ये निकाल के देगा ऐसे कंपनी क्लेम करती है, 4 से 5 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। अगर आपको ये लैपटॉप 43,000-44,000 रुपीज़ के अराउंड देखने मिले तो अच्छा ऑप्शन है। बट गाइस आपका बजट अगर थोड़ा सा कम है, 40,000 रुपीज़ के अराउंड ढूंढ रहे हो, तो गाइस ASUS YoBook 15 सेम लैपटॉप सेम स्पेसिफिकेशन के साथ i3 1220p प्रोसेसर के साथ अवेलेबल है। उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है एज कम्पेयर टू 1315U। सो आपको अगर परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए और बजट भी कम है तो 1220p के साथ जा सकते हो। दोनों लैपटॉप के लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अब लिस्ट का जो थर्ड लैपटॉप है इसका नाम है HP लैपटॉप 15। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये, i3 1315U प्रोसेसर के साथ ये भी अवेलेबल है। 6 कोर 8 थ्रेड का ये CPU है, 8GB की DDR4 रैम देखने मिलती है, एक्सपांड कर सकते हो 16GB तक फ्यूचर में। 512GB की SSD देखने मिलती है, अपग्रेड कर सकते हो ये भी। डिस्प्ले आपको सेम देखने मिलता है जो बाकी सारे HP लैपटॉप्स में, बजट लैपटॉप में देखने मिलता है, वो 15 इंचेस का एंटी ग्लेयर पैनल है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और इस लैपटॉप की खासियत है कि इसमें आपको इंटेल आइरिस XE के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, ना ही इंटेल UHD के ग्राफिक्स जो लिस्ट के सारी लैपटॉप फीचर कर रहा है। सो आपको ग्राफिक्स थोड़े से एनहांस्ड खरीदने हैं तो इंटेल आइरिस XE के साथ जा सकते हो, और HP जैसे ब्रांड की ओर से आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिन्हें भी HP का ही लैपटॉप खरीदना है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अंडर 45,000 रुपीज़। सारी चीज़ें प्रेजेंट है, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, 7 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, बट 4 से 5 घंटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, 0 to 50% 45 मिनट्स में ये चार्ज हो जाता है। अब लिस्ट का जो लास्ट लैपटॉप है इसका नाम है डेल इंस्पिरॉन 3530। i3 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1305U, अच्छा प्रोसेसर है। आपको अगर ये खरीदना है तो 43,000-44,000 प्राइस पॉइंट पे आपको अगर ये देखने मिले तो अच्छा लैपटॉप है।
इस लैपटॉप की खासियत आपको बताना चाहूँगा, इस प्राइस पॉइंट में आपको कोई भी 1 TB SSD नहीं प्रोवाइड कर रहा। सो आपको अगर बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत है तो 1 TB SSD के साथ ये लैपटॉप अवेलेबल है, डेल इंस्पिरॉन 3530। वैसे डेल इंस्पिरॉन मैं पिछले कई दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, सो बेस्ट लैपटॉप है इस सेगमेंट का। बट दो तीन चीज़ है जो मैंने नोटिस की। सबसे पहली चीज़ गाइस, इसके हिंजेस है वो थोड़े से डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स। ये हिंजेस खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट मैं तो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, खराब नहीं हुए अभी तक। डिस्प्ले यहाँ पर 15.6 इंचेस का FHD पैनल दिया गया, एंटी ग्लेयर पैनल है, 45% NDSC और 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल रहा है। अब डेल के जितने सारे लैपटॉप नए लॉन्च हो रहे हैं 7000 सीरीज राइजन की और 13 Gen, गाइस इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बजट लैपटॉप में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट शायद ही कोई और ब्रांड प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा लैपटॉप है 45,000 rupees के अंडर आपको अगर ये देखने मिले तो। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है गाइस, बाकी सारे लैपटॉप में आपको DDR5 RAM देखने मिल रही है, वहीं पर ये जो डेल का लैपटॉप है इसमें आपको DDR4 RAM दी गई है, वो भी 2666 MHz की। सो ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। वैसे इसकी जो रैम है वो अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक। अब जिन्हें भी लैपटॉप खरीदना है और एक ही सबसे बेस्ट लैपटॉप सुनना है इस लिस्ट का, तो गाइस लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 खरीद सकते हो। प्रोसेसर थोड़ा सा आपको बेसिक देखने मिल रहा है, i3 Core प्रोसेसर है, बट जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बना देगी, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैकलिट कीबोर्ड है और भी जो प्रीमियम फीचर्स लेनोवो देता है, 1 ईयर ऑनसाइट वारंटी, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। परफेक्ट लैपटॉप है, सारी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सारी लैपटॉप आप एक बार चेकआउट करना, फिर डिसीजन बनाना कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ज़रूर से हेल्प करेंगे। वैसे जाने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है सागर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।